एवरीबॉडी, दीपिका की दुनिया में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने बिरयानी का वीडियो अपलोड किया था जो आप में से कई लोगों ने ट्राई करके पिक्चर्स भेजे, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बिरयानी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने भी अभी अभी सीखी है। आई एम नॉट अ प्रो एट इट, सो बस उसका मसाला जो है वो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो आज मैं वीडियो में आपको उसका मसाला कैसे मैंने बनाया था वो बताऊंगी। सो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ मैं आपको। हमको सारे साबुत मसाले चाहिए। मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। ओके, सो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको प्रॉपर क्वांटिटी के साथ बताती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। लेट्स स्टार्ट विथ साबुत धनिया, ये हमने 3 बड़े चम्मच यानी कि 3 टेबल स्पून लिया है। सौंफ 1.5 टेबल स्पून। मैंने नॉर्मल जीरा लिया है 3 टेबल स्पून, आप चाहें तो 2 टेबल स्पून नॉर्मल जीरा, 1 टेबल स्पून शाही जीरा ऐसे भी ले सकते हैं। बड़ी इलायची ये मैंने 15 ली है, ये भी लगभग 2 टेबल स्पून के आसपास। दालचीनी जो है ये अंदाजन 3 टेबल स्पून है, इसको आप किसी भी तरह से टेबलस्पून में मेजर नहीं कर सकते हो, तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो क्वांटिटी आपकी 2 टेबलस्पून है उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दालचीनी की जो क्वांटिटी है वो इलायची से थोड़ी ज़्यादा है। काली मिर्च ये भी 2 टेबलस्पून, लौंग, क्लोव ये 1 टेबलस्पून, और ये है चक्रफूल, स्टार एनिस, जो भी आप बोलें, ये भी लगभग 1.5 टेबलस्पून। तो ये आप कैसे मेजर करेंगे वो बहुत ध्यान रखिएगा, या तो आप जो भी क्वांटिटी ले रहे हैं बस इतना ध्यान रखिएगा जो जो मैंने 1-2 टेबलस्पून बोला है वो सब सेम होंगे। अब ये सारी जो प्लेट में आपको चीजें दिख रही हैं इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इनके अलावा हमें और क्या क्या चाहिए पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तेज पत्ता करीब 8 से 10, ये जायफल जावित्री ये 1 फुल लिया है, और ये आप अंदाजन 4-5 टुकड़े ले सकते हैं। ये इलायची ये भी 2 फुल टेबल स्पून है। ये है हल्दी पाउडर 2 टेबल स्पून। ये है कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, और ये है नॉर्मल रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जो अपने मसाले जो मैंने आपको बोला ड्राई रोस्ट करने हैं वो ड्राई रोस्ट कर देते हैं। इससे पहले मैं कुकिंग के वक्त अपना सर ढकना प्रेफर करती हूँ, तो मैं अपना सर ढक लूँ। ये शुरुआत में आप मीडियम हीट पे रख सकते हैं, लेकिन फिर लो हीट पे कर दीजिएगा, वरना हमें गरम मसाले जलाने नहीं है, अच्छे से भूनना है, कम से कम 8 से 10 मिनट, जब तक इनकी अच्छी खुशबू आ जाएगी, लेकिन प्लीज सिम पे, मतलब लो फ्लेम। तो ये करीबन मैंने 6-7 मिनट्स रोस्ट किया है, और ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गया है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, तब तक ये जो है जावित्री जायफल ये हम लोग अलग से ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो जो इलायची है वो आप ऐसे भी इसमें डाल सकते हो जब हम लास्ट में मिक्स करेंगे, लेकिन मुझे इसमें छील के डालना और थोड़ा सा ग्राइंड करना ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि कुछ भी मुंह में ना आए। तो ये सारी इलायची हमने इसमें, इलायची के दाने हमने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं सिर्फ इनको पहले अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी, क्योंकि जावित्री जायफल को पीसने में बहुत वक्त लगता है, बहुत सख्त होते हैं, और उन्हें भूनने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इनको अलग से करते हैं। एकदम अच्छे से ग्राइंड हो गया, इसको साइड में रख देते हैं, और
मेरा सेकेंड बैच है, ये जब हल्का सा हो गया है जस्ट बिफोर मैं खत्म करने वाली हूँ पूरा मसाला, उससे पहले मैं तेज पत्ता जो है वो छोटा सा तोड़ तोड़ के ये हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। इसमें हम ये सब मिक्स कर देंगे, ये जो हमने जावित्री जायफल और इलायची हमने पीसा था, ये अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5-2 टेबलस्पून ही होता है जितना हमें चाहिए। घी डाल दिया, फिर हमने हल्दी डाल दी और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जैसी खुशबू बिरयानी से आनी चाहिए वैसी खुशबू आपको आने लग जाएगी, तो वो इंडिकेशन होगा कि आपका मसाला एकदम परफेक्ट बना है। एंड इट्स रेडी।